हार्ट अटैक की वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। माना जाता है कि सर्दियों के मौसम में दिल के दौरे पड़ने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए इस मौसम में दिल की सेहत को लेकर खास सलाह रखने की सलाह दी जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि हार्ट अटैक क्यों होता है, इससे किस तरह बचा जा सकता है। सर्दियां शुरू होते ही हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी होने लगती है। पिछले कुछ दिनों में हार्ट अटैक के कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हार्ट अटैक किसी भी मौसम में हो सकता है लेकिन इसका खतरा सर्दियों में ज्यादा होता है। आखिर हार्ट अटैक और ठंड के मौसम का क्या कनेक्शन है, आइए अब हम कार्डियोलॉजिस्ट से हकीकत जान लेते हैं। दरअसल नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीता अरोड़ा के मुताबिक यह बात सच है कि सर्दियों में हार्ट अटैक के केस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह कम तापमान होता है। सर्दियों में तापमान कम होने की वजह से हमारे शरीर को ब्लड की सप्लाई करने वाली धमनियां सिकुड़ जाती हैं। इससे हार्ट तक खून धीरे धीरे पहुंच पाता है। डॉक्टर विनीता कहती हैं, जब हमारे हार्ट की धमनियां सिकुड़ जाती हैं, तब हार्ट तक ब्लड की सप्लाई धीरे धीरे होती है और इसकी वजह से धमनियों में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। आसान भाषा में कहें तो ऐसी कंडीशन में धमनियों में खून के थक्के जम जाते हैं। ऐसे में ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। आपको बता दें, हार्ट अटैक से जूझ रहे लोगों को सर्दियों के मौसम में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। हार्ट अटैक से बचने के लिए प्रॉपर गर्म कपड़े पहनने चाहिए। सुबह और रात को जब तापमान सबसे कम होता है उस वक्त घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर जाएं तो प्रॉपर कपड़े पहनकर निकलें। बॉडी को गर्म रखना चाहिए और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट की माने तो दिल को सुरक्षित रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आप प्रतिदिन 40 मिनट में 4 किलोमीटर की वॉक करें तो हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। अगर आप हार्ट डिजीज से जूझ रहे हैं तब भी आपके लिए वॉक करना फायदेमंद साबित होगा। हालांकि हार्ट के मरीजों को जिम जाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।